हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। एल्विश यादव, इनका नाम तो हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का हिस्सा थे और इन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का खिताब अपने नाम भी किया था। बिग बॉस सीजन 2 के विनर बनने के बाद से ही एल्विश यादव किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बने रहते हैं, या यूं कहें कि एल्विश यादव का विवादों से कुछ खास नाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया है जो कि हैरान करने वाला है। दरअसल यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो के जरिए मैक्सटर्न ने एल्विश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पिटाई की गई है। मैक्सटर्न ने वीडियो में बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने होंठ भी दिखाए हैं जो कि सूजे हुए हैं। उनका कहना है कि एल्विश यादव अपने साथियों के साथ आए थे और उनकी पिटाई करके गए हैं। इस दौरान उनके होंठ में चोट लगी है। मैक्सटन कहते हैं कि भाई जान से मारने की धमकी दी गई है, मैं तो अकेला था लेकिन एल्विश भाई बहुत सारे बंदे लेकर आए थे, तो इसका मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ। मैं तो फिलहाल ठीक हूँ लेकिन अभी मेरे यहाँ पर चोट आई है, वो भी 8 लोगों से लड़ने के बाद। ये मैं काफ़ी शांति से बात कर रहा था लेकिन एल्विश भाई का सिस्टम काफ़ी गर्म था। इस पर सुबह पूरा वीडियो डालते हैं। उनके इस वीडियो के बाद लोग हैरान हैं और एल्विश यादव को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये तो सरासर गुंडा गर्दी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एल्विश यादव ने ऐसा किया क्यों है। कहा जा रहा है कि मैक्सटर्न ने कथित तौर पर ISPL 2024 मैच के दौरान मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव की बढ़ती दोस्ती का मजाक उड़ाया था। आपको बता दें कि ISPL 2024 मैच के दौरान मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली थी। यूट्यूबर ने एल्विश का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि हर आदमी दोगला होता है, अपने काम से काम रखो। मैक्सटन के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एल्विश ने लिखा था कि भाई तो दिल्ली में रहता है ना, सोचा याद दिला दूं। माना जा रहा है कि इसके बाद से ही ये दुश्मनी हुई है और एल्विश यादव ने ऐसा कर दिया है। हालांकि सच्चाई क्या है इसको लेकर किसी तरह का कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ये वीडियो कितना सच है और कितना झूठा इसको लेकर भी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।